वेलकम बैक टू अरोमा बेक इक्विपमेंट। सो आज हम बात करेंगे टू डेक फोर ट्रे फुल स्टेनलेस स्टील जर्मन टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन गैस डेक ओवन की। और ये जो आप देख रहे हैं ये वही ओवन है जिसके बारे में मैंने अभी बात की। अब इसमें ये कैसे चलता है, किस तरीके से फंक्शन काम करता है, किस तरीके से इसका पैनल वर्क करेगा, किस तरीके से इसका साइड पैनल वर्क करेगा, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये साइड पैनल किस तरीके से वर्क करेगा, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं सारी चीजें मैं बताने वाला हूं इसमें कि ये कैसे काम करेगा। सो फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा, एक टॉपिक आता है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत से आते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक प्लस गैस चाहिए। तो बेसिकली मैं उनको बता दूं, इलेक्ट्रिक प्लस गैस हमारा मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फंक्शन से काम करता है, जैसे इसका टेम्परेचर बताना, गैस कब रिलीज करना है, गैस कब बंद करना है, गैस का टेम्परेचर कब बंद करना है, टेम्परेचर कब पहुंच गया, अलार्म कब बजानी है, सारा फंक्शन इलेक्ट्रिक से काम करता है। बट जो इसके अंदर हीट जनरेट होगा, जो बनेगा, तो जैसे घर पे गैस चूल्हा होता है ना जिससे गर्म होता है, वैसे ही ये एरिया उसी तरीके से गर्म होता है। बस उसको कब छोड़ना है, कब बंद करना है, इसके अंदर कंट्रोल लगे होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए ये बिजली यूज करता है और वो फ्लेम जो है वो गैस यूज करता है। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रिक प्लस गैस भी बोल सकते हैं, बट इसे मोस्टली लोग गैस डेक ओवन कहते हैं। रीजन बिहाइंड, इलेक्ट्रिक ओवन में सिर्फ हीटर रहता है। तो ये जो टॉपिक मैं बताना चाहता हूं, ये उन लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनको मैंने ये बताने के लिए इस वीडियो में कोशिश की है। तो खैर आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इस डेक ओवन के बारे में, जानते हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो ये कंट्रोल पैनल है इस गैस डेक ओवन का। सो मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। ये पावर स्विच है, पावर ऑन। ये पावर ऑन करते ही कि अपर टेम्परेचर में लाइट आ जाती है, डाउन में भी लाइट आ जाता है, दोनों में टेम्परेचर बताने देते हैं। ये जो टेम्परेचर है वो अंदर का टेम्परेचर बता रहा है, यानी अपर साइड इस साइड में, और जो ये टेम्परेचर बता रहा है वो इनर साइड यानी बेस के नीचे जो टेम्परेचर है वो बता रहा है। अब हम पावर ऑन किया, लाइट ऑन करना है इसका, तो हम लाइट ऑन करेंगे। इसमें लाइट जल गई, देख रहे हैं आप। अब सपोज करो आपको कोई मटेरियल डालना हो, वो जो 15 मिनट में रेडी हो जाएगा या 40 मिनट में, वट एवर योर टाइम, जो भी आपका होगा, जो मटेरियल डाल दिया हमने, उसके बाद हम लोग टाइमर ऑन करेंगे और वो उतना देर सेट कर देंगे। मान सपोज कर लो 19 मिनट में कोई मटेरियल बेक हो रहा है, तो 19 मिनट करके हम ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगा, तो ये 19 मिनट सेट हो गया इसके अंदर। तो ये टाइमर का काम है। तो आपने ये समझ गए कि कंट्रोल पैनल कैसे काम करेगा, पावर ऑन, लाइट ऑन और ये टाइमर ऑन जब हमारा मटेरियल अंदर जाता है। अब सपोज करो हमें ऊपर का टेम्परेचर 200 करना है, तो ये हम लोग 200 करेंगे। जरा नज़दीक से दिखाना मीटर को, तो ये हम 200 करेंगे। अब ये 200 करेंगे तो ये यहाँ पे जो 200 पे टेम्परेचर पहुँचेगा, जब यहाँ पे 200 आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे बर्नर जलना बंद हो जाएगा। तो हमारा बर्नर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको बर्नर कि कैसा होता है हमारा बर्नर। तो ये हमारा बर्नर है, देखिए ये चिंगारी फेंक रहा है। तो ये चिंगारी इसलिए फेंक रहा है क्योंकि गैस नहीं मिल रही इसे, सो ये चिंगारी फेंक रहा है। इसके पीछे बैक साइड, बगल साइड में, मतलब बिल्कुल इसके साइड में सेंसर लगा हुआ है। जब आग लगता है तो वो सेंस करता है कि हाँ आग लग गई, तब जाके गैस रिलीज करता है। अदरवाइज ये जो टू टू की आवाज़ सुन रहे हैं ये बजने लग जाता है। तो ये हमारा फुली एल्यूमिनाइज्ड बर्नर है। सो ये चीज़ आपको बर्नर देखने को मिल गया, आप फंक्शन समझ गए आपकी फंक्शन कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। ये काफ़ी हैवी बनाया हुआ है, ये पूरा हैवी है, और ये जो बेस है हमने काफ़ी मजबूत बनाया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं ये गेट वेटेड बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ। अब हम आते हैं इधर की बात करते हैं, हम इधर कंट्रोल पैनल्स की बात करते हैं कि कंट्रोल कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। तो ये है सोनेट वॉल्व, ये है इग्निटर और ये है सेंसर। सो इग्निटर और सेंसर का क्या काम है वो मैं बताता हूँ। सो इग्निटर और सेंसर कैसे काम करते हैं, अब जैसे हमने ये टेम्परेचर बढ़ाया, ये इसको पास ऑन करता है, ये चिंगारी जाता है उसमें। उसके बाद जैसी चिंगारी जलने लग जाता है तो एक सोनेट वॉल ओपन होता है, और वो गैस को पास करता है हल्का सा। वो हल्का सा आग लगने के बाद ये जो सेंसर है, जैसे ही इस पर आग टच होता है यानी फायर टच होता है, तो ये देखता है कि हाँ आग लग रही है, गैस है। तो ये सोनेट वॉल और आग लग रही है, तो ये सोनेट वॉल जो दूसरा सोनेट वॉल को पास ऑन करता है कि हाँ दूसरा गैस भी खोल दो, जो ताकि वो गैस कंटिन्यू आने लग जाए। अगर उसे गैस नहीं मिलती और आग नहीं लगता है, तो वो जो पहला जो खुला था उसका दो दूसरा भी बंद हो जाता है, और पहला जो है वो तुरंत बंद हो जाता है। तो ये सेफ्टी सिस्टम इस कंट्रोल के थ्रू इसको जाती है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन माइंड की तरह वर्क करता है। और ये ब्लोअर है, ये किस काम आता है, ये एयर को पाइप के लेंथ को, ये गैस को ट्रेवल कराने में हेल्प करता है। ये पूरा 100% कॉपर से बना हुआ है
और ये जो है थर्मोस्टेट, जो टेम्परेचर बताता है, जो यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है कंट्रोल पे, वो टेम्परेचर ये सेंसर के थ्रू ही बता पाता है। तो ये एक फंक्शन है इस डेक ओवन का जो आप देख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील है, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ध्यान से, कोई लोहे में नहीं बना हुआ है हमारा बर्नर। सो ये जो टेक्नोलॉजी है इस ओवन की, ये काफ़ी डिफरेंट है। तो जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखी, इसमें अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या डाउट है तो वो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करें और आपके डाउट्स को क्लियर करें। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।